जिस राज्य में ना भय हो ना भूख हो, भूख लगे तो तृप्ति हो जाए, भय हो तो अभय हो जाए, ऐसे राज्य का नाम ही है राम राज्य। क्या नाम है? जोर से बोलिए जरा। इसीलिए हमने चौपाई ली, दैहिक दैविक भौतिक तापा। जिनके राज्य में आते ही तीनों प्रकार के ताप मिट जाते हैं वो प्रभु। और राम जी अपने हाथों से भरत जी की जटाओं को सुलझाने लगे। जैसे ही सुलझाने लगे सोई भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी बोले, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? भरत जी रोते रोते बोले, सरकार, आंसू पहुंचते हुए भरत जी बोले, सरकार, जिसकी जिंदगी इतनी उलझी हो वो रोना तो करे क्या। लेकिन थोड़ी देर बाद भरत जी चुप हो गए तो राम जी मुस्कुराकर बोले, अभी तो तुम रो रहे थे, अब चुप क्यों हो गए, अब रोना बंद क्यों कर दिया? बोले, सुरी की महिमा गाते हुए जब राम राजा बनने वाले हैं तो कैसे बने जरा इसकी प्रक्रिया देखिए। आहा, राम जी को स्नान करवाने के लिए लाया गया, चारों भाइयों को लाया गया। कौन कौन? भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और प्रभु श्री राम जी, चारों भाई आए हैं। लेकिन राम जी ने सबसे पहले स्नान नहीं किया, पहले हमारे जो सखा हैं, कौन, कोल, किरात, निषाद, इनको पहले स्नान करवाया जाए। किसी ने कहा कि राम आप राजा बनने वाले हो और राजा को पहले स्नान करना चाहिए, बाकी सबको बाद में। राम जी बोले, नहीं, यह राम राज्य नहीं हो सकता, राम राज्य में पहले कोल, किराद, निषाद स्नान करेंगे, फिर राम राजा बनने के लिए राम स्नान करेंगे। यह राम राज्य, राम राज्य की पहली विशेषता यह थी कि 11,000 वर्ष के राम राज्य में किसी भी पिता ने अपने पुत्र को अपने सामने मरते हुए नहीं देखा। 11,000 साल, 11,000 वर्ष तक किसी भी पिता ने, क्योंकि पिता को पुत्र के शोक से बड़ा कोई शोक नहीं होता, इस दुनिया में सबसे बड़ा शोक पुत्र के मरने का होता है। 11,000 साल में राम जी के राज्य में किसी भी पिता ने अपने पुत्र के शोक से दुख